नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अगला पार्ट करेंगे। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी आर केप्ट फॉर अ टाइम। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम को हम क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। ऑप्शन ए मॉर्चरी, ऑप्शन ए मॉर्चरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लेजर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेडोनिस्ट। गेनिंग प्लेजर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेडोनिस्ट बोलते हैं, हेडोनिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज। वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? जो परंपराओं एवं मान्यताओं का कभी पालन नहीं करता है, जो परंपराओं एवं मान्यताओं का पालन नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेगेसी। क्या कहते हैं? लेगेसी। लेगेसी लेक्सी का मतलब वसीयत, वसीयत जिसको हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स करेक्टर। जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स करेक्टर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रोफाइल। प्रोफाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पैंडेमोनियम कहते हैं। पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मतलब होता है जहाँ शोरगुल ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन कोई पर्सन जो अपना पहली पब्लिक स्पीच देता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेडन स्पीच कहते हैं। मेडन स्पीच। मेडन स्पीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोहेमियन। बोहेमियन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनादर। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनादर एक चीज को दूसरे के बगल में रखना। एक चीज को दूसरे के बगल में रखना क्या कहते हैं? ऑप्शन सी जेक्स्टा पोज। जेक्स्टा पोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड। एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड को हम क्या वर्ड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी ओरिंथोलॉजिस्ट। ओरिंथोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी ओरिंथोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स एंड पार्टी। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल एंड पार्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी रेनिगेट। रेनिगेट। रेनिगेट क्या होता है? जो किसी सिद्धांत या पार्टी का त्याग कर देता है। जो किसी सिद्धांत या पार्टी का त्याग कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? रेनिगेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इंटरवीन्स इंटरवीन्स बिटवीन टू आर मोर पार्टी टू सेटल द डिफरेंसेस। वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू आर मोर पार्टी टू सेटल द डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इंटरमीडिएटरी बोलते हैं। इंटरमीडिएटरी बोलते हैं जो जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो कोई
तीसरा आके दोनों की लड़ाई को शांत कराए, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटरी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, जो हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी नैर्सिज्म, नैर्सिसिज्म। ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर आप पीछे पिछला वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो इसमें आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए हच, हच छोटे जानवरों को रखने का पिंजड़ा, को हम क्या कहते हैं, हच, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वूमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, अ वूमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए पोलैंड्री, पोलैंड्री बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीडिंग ऑन फूड मेड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लेश, फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लेश, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी ओमनीवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेज एंड अटैक पॉपुलर बिलीव्स, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। ये पीछे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आइकोनोक्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग होली होली एंड स्केयर्ड, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड स्केयर्ड, किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक स्थल का वायलेशन करना क्या कहते हैं, ऑप्शन सी साइक्रिलेज बोलते हैं, साइक्रिलेज, साइक्रिलेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेस वेयर नन्स लिव्स लिव एंड वर्क, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, वो हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी कॉन्वेंट, कॉन्वेंट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, को हम क्या कहते हैं, टोटली टायरनिज्म, ऑप्शन सी टोटली टायरनिज्म। से चाइना में ऐसा रूल, ऐसा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव रहती है जो रूल करती है पूरे कंट्री पर, उसको हम क्या कहते हैं, टोटली टायरनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्टम एंड हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कस्टम्स, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मोरेस बोलते हैं, ऑप्शन ए मोरेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन द ट्रायल, को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी, ज्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, जो सुख और दुख में समान रहता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी स्टोइसिज्म बोलते हैं, ऑप्शन सी स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म। ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।